अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं फिश फ्राई और बीफ पुलाव। ये देखिए, ये भी हमने दो सैंपल बनाए, ये रेडी हुए, अभी हम चेक करेंगे ट्राई के लिए। आज हम घर में पार्टी है और अभी चेक करेंगे, चेक करता हूँ और चेक करके आपको बताता हूँ। बहुत ज़बरदस्त बना है माशाल्लाह, हमने चेक किया है, बहुत औसम बना था। ये मेरे चाचू बैठे हुए, ये हमने पुलाव की प्याज ब्राउन किए, टेस्ट इतना अच्छा था, मसाला था ज़बरदस्त लगा हुआ इसके अंदर। ये रेड ऑनियन में डालने के लिए डालिए। आज हमारे दोस्तों की पार्टी है, हम दोपहर में फिश लेकर आए हैं और उसके लिए गोश्त लेकर आए हैं पुलाव के लिए। गरम हो रही होगी, ये कर दिया। अभी हम लोगों ने स्टार्ट पुलाव बनाने के लिए, तो अभी हमने मसाले डाल दिए इसके अंदर। गोश्त हमने पहले बॉयल करने के लिए रख दिया था, यखनी उसकी बना दी थी, तो हम इसमें चेक कर रहे हैं इसके अंदर, और इसको थोड़ा भूनेंगे काफ़ी। गोश्त को निकाल रहे हैं, अभी बिल्कुल हिलाने के बाद चेक करेंगे। ये है फिश, मसाला लगा के अभी चाचू ने रखा है, ये मसाला लगा रहे हैं इसके अंदर, लगा के रखा है, तो इसको फिश फ्राई करेंगे। यहाँ पे जब तक पुलाव का काम चल रहा है, पुलाव भी रेडी हो रहा है, वो इसको भून रहे हैं, मसाला चेक कर रहे हैं चाचू। अभी पहले पुलाव रेडी करने के बाद फिर फिश फ्राई करेंगे ताकि गरम गरम खाया जाए। ये इसमें कर दिया यखनी का पानी ऐड, इसको डाल के बॉयल बनाएंगे, उसके बाद ये इसमें चावल ऐड करेंगे, तो इसको गर्म हो जाए, तो उसके बाद इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। ये ऐड कर दिए इसके अंदर चावल, अभी इसमें दम आने के लिए रखा है, थोड़ी देर रखेंगे ताकि दम आ जाए, उसके बाद फिर दोबारा चेक करेंगे। ये इसकी गार्निश करने के लिए बादाम काजू पीछे, बादाम को हम भून रहे हैं, ये काजू हैं, ये पिस्ते हैं, ये रेड प्याज है, और अभी हम लोग चेक करते हैं इसमें थोड़ा दम आ गया है, तो पानी निकल चुका है, अभी इसको रखेंगे ऊपर तब इसके नीचे तवा, तवा रखने के बाद फिर इसको दोबारा ऐसे ऐड करेंगे। ये रखा तवा, अब इसको हम देंगे हल्का सा दम, आज थोड़ा स्लो करके। ये हो गया पुलाव हमारा रेडी, अभी मैं थोड़ा पानी खुशक करना है, थोड़ा दम पे देना है, उसके बाद पुलाव हमारा माशाल्लाह से रेडी हो जाएगा। भाई तो हल्के आँच पे रख के दम चेक कर, दम रखेंगे, एक करनी बाकी है इसके अंदर। बना रहे हैं अभी हम लोग, इसके साथ रायता चाचू रेडी कर रहे हैं, इसमें हरी प्याज, हरी मिर्च है और दही है और काली मिर्च, ये रायता रेडी किया है।
ये रही ये फिश। अब ये फिश की तैयारी है, ये गार्निश के लिए सामान रखा हुआ है, पुलाव के लिए ये किशमिश है, बादाम पिस्ते हैं, बादाम को मैं फ्राई कर लिया है, पुदीना बना दिया, चटनी बना दी है, ऑयल गर्म हो रहा है, फिश फ्राई होने के लिए। अब पुलाव रेडी हो गया है, अब हम जा रहे हैं फैमिली को सर्व करने के लिए। पहले खिलाएंगे फैमिली को, उसके बाद खिलाएंगे हमारे दोस्त यारों को। ये फैमिली को अभी हम सर्व कर रहे हैं, ये गार्निश करेंगे चाहे जो भी, इसके अंदर धनिया ऐड करेंगे या बादाम ऐड करेंगे। ये आप देखो कितनी खूबसूरती से बना है, आप यकीन न माने, मज़ा बहुत बहुत ज़बरदस्त बना था, बहुत ज़बरदस्त। ये इसमें अखरोट डाले हैं, काजू डाले हैं, बादाम डाले हैं, किशमिश डाले हैं, स्टार्ट कर दिया फिश फ्राई करने के लिए। पुलाव बड़ा रेडी हो गया था, अभी हमने फैमिली को दे भी दिया है, बहुत ज़बरदस्त बना, फैमिली ने बहुत अच्छी तारीफ़ करी है, बहुत क्लास का बना है। कि बस मैं आपको बता नहीं देता हूँ कि बस उन्हें चाटते के चाटते रह गए, चाचू की मेहरबानी है, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बनाया पुलाव। अभी फिश फ्राई कर रहे हैं, दोस्त यार आने वाले हैं, बस उनकी वेट कर रहे हैं, उनके हाथ में बहुत जायका है, बहुत बहुत जायका है, लोग तो रहते हैं इनके हाथ के खाने बनाने खाने के लिए। ये रखे फिश, गंजिया फिश है और जो भी है, मगर बेहतरीन शेफ है। अगर आप लोगों किसी को भी खाना बनवाना हो तो आप इनसे रब्ता करें, अपना नंबर बता दें सर आप जरा, वो नंबर आपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, नीचे नंबर दे देंगे। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज। अच्छा पूछ बोल भी तो उनको, ये उधार नहीं करता है। हाँ लोगों ने उधार करा हुआ अभी तक। दोस्त लोग आ गए, इन्होंने खाना स्टार्ट कर दिया है, माशाल्लाह पुलाव बहुत आसम बना है, बहुत आसम बना है।